कमागनी टू ऑल माई व्यूवर्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आप सबके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर, जैसा कि इस वीडियो में आप सब लोग देख रहे हैं कि मैंने पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है, मैंने नेकलेस पहना है, रखड़ी पहनी है, शीश फूल पहना है और हथ फूल पहने हुए हैं, हैंडबैंड्स पहने हुए हैं और चूड़ा वगैरह और बाजू भी मैंने पहना हुआ है। आज के इस वीडियो में फुल ज्वेलरी मैंने वियर की हुई है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होंगे कि मैंने ये कौन सी ज्वेलरी पहनी है, ये मैंने कहाँ से परचेज़ करी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। भारत में सदियों से हीरे, मोती, सोने, चांदी, रत्नों और धातुओं को आभूषणों के रूप में पहना जाता है, क्योंकि हमारा भारत हमेशा से ही राजा महाराजाओं का देश रहा है। आभूषण पहनने की परंपरा हमारे भारत में सबसे पहले देखी गई है। आज के इस वीडियो में मैं ज्वेलरी बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ आप सबके सामने, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ये बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, इनके ब्रांड का नेम है सोन कांच, और इनकी जो ज्वेलरी है वो थेवा ज्वेलरी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि थेवा ज्वेलरी क्या होती है। हमारे इंडिया के अंदर गहने बनाने की डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक शैली का नाम है थेवा ज्वेलरी, थेवा आभूषण, जो कि राजस्थान के प्रतापगढ़ से इसका ओरिजिन हुआ है। ये ज्वेलरी सबसे पहले जहाँ पे बनाई गई वो प्रतापगढ़ है। ट्रांसपेरेंट ग्लास पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की ज्वेलरी बनी हुई होती है, उससे आप थेवा ज्वेलरी समझ सकते हो। ताकि मैंने यहाँ पे जो रखड़ी पहनी हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते, इसकी डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। अभी 2022 में जो ज्वेलरी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग करने वाली है वो है थेवा ज्वेलरी। आप में से कई लोगों ने मुझे कई बार बोला है कि आप कुछ डिफरेंट टाइप्स के ज्वेलरी का अनबॉक्सिंग कीजिए, तो आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ थेवा ज्वेलरी के पीसेस जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट ए हैवी लुक विथ थेवा ज्वेलरी। सबसे पहले अगर आपने एक थोड़ा सा हैवी पोशाक पहना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस ओढ़ने में जाल का काम किया गया है, और जो मेरी अंदर की पोशाक है वो एकदम प्लेन है, तो इसमें इस तरह की पोशाक्स पे अगर आपको हैवी लुक क्रिएट करना है तो थेवा ज्वेलरी परफेक्ट ऑप्शंस हैं आप सब लोगों के लिए। आप इस तरह की पोशाक्स के साथ में ये लाइट वेट ज्वेलरी पहन सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मैंने शीश फूल बांध रखा है, ये रखड़ी है, और इनमें जिस तरह का काम किया गया है वो काम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ग्लास पे आपको 23 कैरेट गोल्ड का वर्क मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। नेट वर्क वाले जो राजपूती सूट और पोशाक्स होती हैं उनके साथ में सिर्फ झुमके, रखड़ी और लाइट वेट का कोई नेकलेस आप लोग वियर कर सकते हो, और इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए थेवा ज्वेलरी की जो नथ होती है उससे आपका लुक कंप्लीट दिखता है। आजकल थेवा ज्वेलरी के डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। मैंने जो ज्वेलरी वेयर की हुई है इनकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि ये किस तरह की ज्वेलरी है। इसकी जो भी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इनकी जो प्राइस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 1 या 2 लाख के समथिंग आपका जो बजट है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा के और थेवा ज्वेलरी क्रिएट करवा सकते हो खुद के लिए, और ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा लुक, अभी मैंने जो लुक क्रिएट किया है वो समर वेडिंग लुक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी अभी समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में जिन लोगों की शादी होती है उनको लाइट ज्वेलरी ज़्यादातर पसंद की जाती है, तो इस तरह का लुक क्रिएट करने के लिए आप लोगों के पास में थेवा ज्वेलरी ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग ये बाजू देख रहे हैं, ग्लास पे कितना सुंदर गोल्ड का वर्क किया गया है, मरून कलर के बीड्स ऊपर की तरफ इन्होंने यूज़ किए हैं। अगर हम रेगुलर जो बाजू हम लोग पहनते हैं उससे थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे जालीदार वर्क किया गया है ग्लास पे, ये मरून कलर के ग्लास पे, और ऊपर की तरफ आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है।
और इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ये हैंड बैंड्स की। आप ये वन फिंगर रिंग वाला हथफूल यहाँ पे देख रहे हो और इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मरून कलर के बीड्स पे दी गई है और यहाँ पे इसके बीच में भी जो सेम पूरी ज्वेलरी जो सेट बना हुआ है उसी तरह का पैटर्न इस पे दिया गया है। उसके बाद में हम बंगड़ी की बात कर लेते हैं तो उस पे भी मरून कलर के, अगर आपको मोती पिंक चाहिए रेड चाहिए तो वो कस्टमाइज होते हैं, आपको जो भी कलर आपका फेवरेट कलर है उसमें इस तरह की ज्वेलरी बनवाई जा सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इस तरह की ये है, ये इसकी पोंछी है, इनमें भी इन्होंने डायमंड्स का वर्क दिया गया है। तो ये पूरा जो डिज़ाइनिंग आप लोग देख रहे हैं ये इस तरह की ज्वेलरी है। मैंने जो नेकलेस वियर कर रखा है, मेरी पोशाक थोड़ी हैवी है तो उसके साथ में ये परफेक्ट मैच हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहे हैं वो भी आप लोग उनको बता के कस्टमाइज करवा सकते हो खुद के लिए। अगर आप एक ब्राइड हैं, आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा अलग हट के कुछ ज्वेलरी अपने लिए सोच रहे हो तो आप थेवा ज्वेलरी को आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये ज्वेलरी सोन कांच शोरूम है वैशाली नगर में, वहाँ से परचेज करी है। बहुत ही ज़्यादा इनके पास में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी थेवा ज्वेलरी में आते हैं क्या। अगर आपको हैवी लुक क्रिएट करना है, अगर आपको लाइट लुक क्रिएट करना है, आपको ऑफिस, अगर आप ऑफिस गोइंग वुमन हैं तो उसके हिसाब से भी इनके पास में ज्वेलरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं गाइस। तो आप लोगों को डेफिनेटली जाकर चेकआउट करना चाहिए कि इनका कलेक्शन किस तरह का है और आप मुझे इस वीडियो में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये ज्वेलरी जो आप लोग देख रहे हैं इनमें से सबसे अच्छा पीस कौन सा है, लाइक आपको नथ पसंद आई है, झुमके अच्छे लगे हैं आपको, हथफूल अच्छे लगे, इनमें से कौन सा पीस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को मुझे बताना है।